वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोहली के ऐलान के बाद लाखों फैंस ये जानने के लिए बेकरार हो गए कि इस करिश्माई क्रिकेटर को आखिर ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा। एक के बाद एक सीरीज जीतने वाले कप्तान के अचानक कप्तानी छोड़ देने पर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रक्रियाएं आ रही हैं। आपको बता दें कि कोहली के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आई एम कोहली ट्रेंड करने लगा है। उनके प्रशंसकों में काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है। उनके एक फैंस गुरु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विराट का ये अच्छा निर्णय है, वो टेस्ट कप्तानी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो महान टेस्ट कप्तान बन सकते हैं। वो सफ़ेद गेंद में अपनी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोहली का बल्ला पिछले कई महीनों से खामोश था, जिससे कोहली पर दबाव बनने लगा था। रन न बना पाने का दबाव कोहली नहीं झेल पाए, जिसके बाद उन्होंने ये सबसे कठिन निर्णय लिया। आपको बता दें कि साल 2017 में धोनी के कप्तानी से हटने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप T20 में कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम की कमान सौंपी गई थी। ये पहली बार होगा जब कोहली ICC T20 विश्व कप में भारत की अगुवाई करेंगे। उन्होंने इससे पहले साल 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, 2019 ICC विश्व कप के सेमीफाइनल में टीम का कमान संभाला है। बतौर कप्तान विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के बाद T20 में दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं। धोनी ने 42 T20 मैचों में जीत हासिल की थी। विराट कोहली का विनिंग प्रतिशत धोनी से भी बेहतरीन है। कप्तान कोहली ने इस मामले में धोनी से कहीं बेहतर है। कोहली वैसे तो आक्रामक कप्तान के तौर पर जाने जाते हैं, अब शायद ऐसा आक्रामक खिलाड़ी मैदान में नहीं दिखे। BCCI सचिव जय शाह ने कोहली के T20 में कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद कहा कि कोहली एक खिलाड़ी टीम के वरिष्ठ सदस्य के रूप में योगदान देना जारी रखेंगे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।